हम वादा करता हूँ। हम सरकार से बात किया हूँ, तुम सभी को नौकरी मिलकर रहेगी। कितनी बार लौट के जाएंगे खाली। अरे कालू सिंह जी कहाँ हैं? कालू सिंह, अरे कालू सिंह जी, तो मौका मिला के नहीं? अब इनका ये धरना तो धरा ही रह गया। मंत्री जी जैसे आए थे वैसे चले भी गए, और एक बार फिर से बेचारे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार रोते ही रह गए। खैर, खबरदार का काम था आपको सतर्क करना। हाँ, ये तो भगवान ही मालिक है। कैमरामैन खोजी राम के साथ तीतरी कुमारी, खबरदार लाइव से हमेशा तक। इस बात पर विचार ही नहीं किया कि देश की यंग जनरेशन की इंटेलिजेंस और टैलेंट को कैसे यूज किया जाए। अब ये डिग्रियां केवल शोपीस हो गई हैं। आकाश वर्मा MBBS, B Pharma, M Pharma, अमिता वर्मा BCom, M Com, लता गुप्ता LLB, LLM, मुकेश गुप्ता CAICA, और इन डेकोरेटिव पीसेस को पाने के लिए स्टूडेंट्स हर मेथड का यूज करते हैं। आखिर वह हेल्पलेस यंग मैन क्या करे जिसे अपना फ्यूचर डार्क दिखाई देता है।
फिर वो प्रोटेस्ट करता है स्ट्राइक्स के मीडियम से अपने ईगो को सेटिस्फाई करता है और चीटिंग करके अपना साल बचाना चाहता है। पर आकाश जो अनुचित है वो अनुचित है, मैंने तुम लोगों को कभी अनुचित की शिक्षा तो नहीं दी, अब सत्य के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। पर अंकल जिसने इतनी स्ट्रगल करके अनफेयर मीन से बड़ी ही मुश्किल से जॉब पाई हो वो कंट्री के साथ क्या जस्टिस करेगा, आप ही बताइए। हाँ, और आप कौन से सत्य और न्याय की बात कर रहे हैं, सत्य से मुंह मोड़ने से वो छिप नहीं जाता। ये मैगजीन देखिए, इसमें नाम न छापने की शर्त पर पुलिस थानों व कोर्ट में आए दिन होने वाले सत्य के प्रयोगों को डिस्क्राइब किया गया है। जरा ऊंचा पढ़िएगा, जनता भी तो सुने। बहुत अच्छी बात है। अरे रिश्वत खोर, रिश्वत को तो छोड़, अब तो हमारी तनख्वाह के भी लाले पड़ने वाले हैं। अरे प्यारे क्यों घबरा रहे, क्या हुआ, सोने देना यार, वैसे भी दिन की ड्यूटी में सोना अलाउड है। अरे तुझे सोने की पड़ी है, अब हमारे दिन का चैन उछड़ने वाला है। अरे भूचाल आने वाला है, भूचाल, तबाही तबाही। मुझे तो डर लगता है कि हमारी नौकरी का भी क्या होगा। अरे पर हुआ क्या? अरे खो गई रे, खो गई। क्या खो गई? अरे हमारे बड़े अफसर साहब की। बड़े अफसर साहब की क्या? अरे उनकी वो खो गई। वो मतलब पत्नी? अरे पत्नी खो गई, पत्नी खो गई, पत्नी खो गई। अरे बुड़बक, अरे उनकी पत्नी नहीं है। वैसे एक बात तो बता, अगर पत्नी उनकी खोई है तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है? देख प्यारे, अगर किसी की पत्नी खो गई तो वो खुश होगा ना, क्यों भाई साहब, सही बोल रहा हूँ ना। और अगर वो खुश होगा तो पूरे शहर को मिठाइयाँ बटवाएगा ना। अरे चलती फिरती मिठाई की दुकान, अरे उनकी पत्नी नहीं रे, अरे उनकी तो गाय कोई है, गाय। ओ गाय, गाय, गाय। अरे प्यारे गाय तो खोई है, तो टेंशन क्यों ले रहा है, आ जाएगी चारा खाके। अरे वो ऐसी वैसी गाय नहीं थी, हमारे अफसर साहब की सबसे प्यारी गाय थी। अरे उनका तो रो 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 का बुरा हाल ही हो गया है, इतना तो अपनी बीवी से मार खाने पर भी नहीं रोते। अब क्या करेगा प्यारे? अरे अब क्या होगा वो तो छोड़, पूरे दफ्तर में भूचाल आ गया है, सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें। तुझे पता है शहर की ड्यूटी से भी सभी वापस आ रहे हैं। पर अभी तो चलान की नहीं रेट आई है, अभी तो समय है चलान काटने का, फिर हमारी जेब की व्यवस्था कौन देखेगा। अरे नौकरी रहेगी तो चलान तो फिर कभी काट लेंगे, लेकिन अगर अफसर साहब की गाय नहीं मिली ना, अरे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा रे। ओ जल्दी चल, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, खड़ा क्या है अपना और यहाँ का हुलिया सुधार, जल्दी कर। तुझे पता है ना हमारे अफसर साहब कितने खतरनाक है, अरे उनकी एक आवाज से सारा थाना कांप जाता है, अरे जल्दी कर। अरे चुलबुल का चमचा के, चुलबुल का चमचा, अरे वो लोहे का कोफ्ता। देखो मित्रों, अपने बड़े अफसर साहब की गाय परसों से एकदम गायब है, एकदम गायब। जब ऐसे समय में ही तो इंसान की पहचान होती है, तो अफसर साहब की पत्नी बेहद पीड़ित है, अब यह तो मानेंगे ही, जब पत्नी पीड़ित हो तो पति को चैन कहाँ। वही हालत हमारे बड़े अफसर साहब की है, वह पत्नी की पीड़ा से घायल हमारे सहयोग की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं। सर, हम गाय को ढूंढने के लिए कुछ भी करेंगे, हम अपना तन
मन और धन सब लगा देंगे सर। अरे अरे मेरी बात तो सुन लो, अरे शांत हो जाओ, खामोश। आप सबको पाबंद किया जाता है कि जब तक अफसर साहब की गैया ना मिल जाए कौनो चैन से नहीं बैठेगा। साहब चैन से तो क्या, बटन से भी नहीं बैठेंगे। बस आप एक बार लेटर जारी करा दीजिए, फिर हम भी गाय को ढूंढ के ही मानेंगे। तुम्हारे अड़े भाव ठीक है, मैं भी इसके लिए एक लेटर जारी कराता हूँ। लेकिन सर ड्यूटी टाइम में तो गाय को ढूंढने कैसे जाया जा सकता है? अरे यह कोई तर्क नहीं है, गाय को ढूंढने जाने वालों को ड्यूटी पे ही माना जाएगा, वह ऑफिस टाइम में गाय को ढूंढने जा सकते हैं। सर एक बात पूछनी थी, क्या हम गाय को ढूंढने के लिए विभाग की गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सर उई माँ, अरे तुम एकदम भुट्टू हो, यह भी कोई पूछने की बात है? यह तो सरकारी काम के समान है, सारी सरकारी मशीनरी झोंक दो इस भोली भाली गाय को ढूंढने में। साहब हम तो पुलिस वाले हैं, आदत से मजबूर, बस ये बता दीजिए कि कोई सावधानी तो नहीं बरतनी है? सावधानी बस यह रखना कि उससे किसी भी प्रकार की बदसलूकी ना करें, पुलिसियाना ढंग में ना पेश आए, आखिरकार बड़े अफसर की गाय है, कोई पीड़ित नारी नहीं। सर अगर हम गाय को ढूंढने के लिए ओवर टाइम करे तो क्या उसका भी पेमेंट मिलेगा क्या? अरे कोई समझाइए इसे, समझाइए। यह बात खुले में करने की तो नहीं है, परंतु इंसेंटिव के रूप में तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो दादा जरा सोचिए, वो आदमी कितना सौभाग्यशाली होगा जो अफसर साहब की गाय ढूंढ के लाएगा। पिछले साल अफसर साहब का कुत्ता मैंने ढूंढा था, मैंने, उन्होंने खुश होकर मुझे बाबू से थानेदार बना दिया। क्या सच? हाँ सच सच, कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है कि अफसर साहब का कुत्ता साल में एक दो बार तो खो ही जाए, वो मुझसे खुश होके उसको प्रमोशन दे देंगे, DSP, DYSP, GST, LMB, BMB, अरे वाह, तो कभी कुत्ते प्रमोशन। कुत्ते को छोड़िए ना सर, और गाय पर फोकस करिए। हाँ, तुम सब जाए गाय को ढूंढने जाओ, जाओ। जी सर। अच्छा बाबू, ओ बाबू। बाबा जी सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो आपके समोसों के ऊपर से मक्खियाँ उड़ा रहा था। मक्खियाँ उड़ा रहा था क्या समोसे? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक तो हम हमारे बाबू पे भी करते हैं, तो तुम का खेत की शक्करकंदी हो। अच्छा चलो गाय पे एक पत्र लिखना है। जी सर। अरे वाह, बचपन में तो गाय के ऊपर निबंध बहुत लिखने को मिले, पर आज पत्र लिखने को मिलेगा। ये कैसा पुलिस स्टेशन, इतना सन्नाटा, जनता की रक्षा करने वाली पुलिस कहाँ चली गई? हे भगवान, मेरा बच्चा। बता तुम कौन हो? साहब मैं एक आम आदमी। बता आम आदमी तो यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मेरा बच्चा सुबह से गायब है। तमीज तो है नहीं तुम्हें, अब बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकते, बच्चे रोज खोते हैं तो इसमें हम क्या करें? साहब मेरे बच्चे का ढूंढ दीजिए। अच्छा तो तुम ऐसा करो, 2-4 दिन बाद आना, अभी बड़े अफसर साहब की गाय खो गई है, पहले वो मिल जाए फिर तुम्हारे बच्चा को भी ढूंढ देंगे। पर साहब वो, अरे तुम्हें दिखता नहीं, पूरा स्टाफ गाय की तलाश में दर बदर भटकता फिर रहा है, बच्चे तो रोज खोते हैं तो उसमें हम क्या करें? लेकिन साहब बच्चा 3-4 साल का ही है, 4-5 दिन में वो कहाँ से कहाँ चल जाए? उसे ढूंढ दीजिए। अरे माथा खराब करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हम बहुत परेशान हैं, बच्चे को जन्म तो दे देते हो मगर परवरिश नहीं कर पाते। नाना साहब ऐसी बात नहीं है, बच्चा घर से अचानक निकल गया था, वह मेरा इकलौता बच्चा है, उसे ढूंढ दीजिए। अरे हमारे अफसर साहब की भी तो एक लौती गाय थी।
साहब, गाय तो मैं दूसरी खरीद के ला दूंगा, बस आप मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, मेरे बच्चे को। अरे बेवकूफ, सवाल नई गाय का नहीं है, सवाल उसी गाय को ढूंढ के ला के देने का है। तो साहब, उस गाय को साहब मैं ढूंढ के लाऊंगा। तुम ढूंढ के लाके दोगे उस गाय को? हाँ साहब, उस गाय को मैं जमीन आसमान एक करके ढूंढ के लाऊंगा, बस आप मेरा बच्चा ढूंढ दीजिए, मेरा बच्चा। हाँ तुम जाओ जाओ। आय हाय, इस चक्कर में तो हमारे समोसे ठंडे पड़ गए, ठंडे ही खा लेंगे। समोसे। कोई रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट सर, इस गाय के चक्कर में हमने कितना ढूंढा, पर ये तो ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सिर से सींग सर।